नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, तहसील परिषद में लगा हैंडपंप खराब है, लोगों को हो रही है दिक्कत। आपको बताते चले कि तहसील परिषद पेथर पचामा में लगा हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है। विगत 3-4 दिनों से प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज संवाददाता ने जब इसकी जानकारी प्रभारी CMO रूपाली द्विवेदी को दूरभाष के माध्यम से दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हैंडपंप बन जाएगा। हैंडपंप तो बनाया गया किंतु हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील परिषद का हैंडपंप खराब है, यहाँ के लोगों को क्या दिक्कत होती है, आइए आपको इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि हैंडपंप कब बनेगा, लोगों को पीने का पानी कब मिलेगा, प्रभारी CMO रूपाली देवी जी का ध्यान इस ओर कब जाएगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से तहसील चीफ कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। धंधा छोड़ो, आप कितनी देर से इसको चला रहे हैं? आधा घंटा। पानी क्यों नहीं निकल रहा इसमें? नुकसान है। अभी कल बनाया गया था, इसका मतलब सही तरीके से नहीं बना है। इधर देखिए, ये आप कल नगर परिषद के द्वारा इस हैंडपंप को बनाया गया है, ये सही नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है चल रहा है? अरे मुंह से बोलिए, नहीं चल रहा है। तो अब क्या कहना चाहेंगे कि एक तहसील परिसर का हैंडपंप बिगड़ा हुआ है और यहाँ पर कितने लोग आते हैं पूरे दिन में? 2000। शिवम, आप बताइए, आपकी दुकान बगल में है। 2-3 हजार पब्लिक आती है और इसी नल के वजह से पानी पीते हैं, सब लोग आते हैं। और वही नल कल ही बनी थी, आज ही फिर बिगड़ गई है और यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होता है। कल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज संवाददाता को जैसे जानकारी मिली कि तहसील परिसर का हैंडपंप खराब है, संवाददाता ने तत्काल प्रभारी CMO रूपाली द्विवेदी से बात की। उन्होंने कहा मैं अविलंब इसको बनवाती हूँ। क्या मिस्त्री आया था? कल आया था, बनाया भी और पता नहीं आज फिर खराब हो गया है। इसका मतलब सही तरीके से नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। लोगों को पानी पीने की कमी हो रही है, दिक्कत हो रही है।